हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू एस्पायर में। आज जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो बेस्ड है प्लांट फिजियोलॉजी पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेरेबल टू हेमोग्लोबिन इन एनिमल्स इज साइटोक्रोम सेलुलोज क्लोरोफिल कैरोटीन। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है और वो कंपेरेबल होता है एनिमल के हेमोग्लोबिन से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री, क्लोरोफिल। हेमोग्लोबिन जो है ये बना होता है चार एलिमेंट से। वो चारों एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और ये चारों एलिमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं आयरन के चारों तरफ से। सिमिलरली क्लोरोफिल में भी ये चारों एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका वो मैग्नीशियम के अराउंड होता है। और क्लोरोफिल क्या है? ये एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट में। फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स इज डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑस्मोसिस, कैपिलरी एक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डिफ्यूजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है लीव्स में गैसियस फॉर्म में एंड गैसेस आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स सोर्स वाया डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट्स। वो कौन सा एलिमेंट है जिसके वजह से वाटर और कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है प्लांट में? मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू, बोरॉन। वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय कैम्बियम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, जाइलम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, जाइलम। जाइलम टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू लीव्स। यहाँ हम बाकी सारे ऑप्शन की भी चर्चा करेंगे। फ्लोएम ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कैम्बियम इसका मेन जॉब है ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टीम एंड रूट के लिए। एपिडर्मिस ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि वाटर लॉस को कम करता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री, ऑक्सीजन। थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स जनरेट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट्स बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी, फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू, कैपिलैरिटी। कैपिलरी एक्शन जो है ये मूवमेंट है लिक्विड का अलोंग द सरफेस ऑफ सॉलिड। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का वो अट्रैक्ट हो जाता है सॉलिड के मॉलिक्यूल से। तो जब रूट से वाटर अपर पार्ट ऑफ प्लांट में जाता है तो उसमें क्या होता है कि स्टीम में जो सॉलिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो वाटर के जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इनके अट्रैक्शन के वजह से वहाँ पे तीन तरह का फोर्स काम करता है। एक है एडहेशन, दूसरा है कोहेशन और तीसरा है सरफेस टेंशन। इन तीनों फोर्स के वजह से वाटर जो है वो रूट से अपर पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंच पाता है। बोन इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंटेन्स द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू, फॉस्फोरस। विच ऑफ दीज इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर,
बोरॉन। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वैसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट स्मॉल क्वांटिटी में होती है। तो कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं प्लांट के केस में, चलिए हम देखते हैं। बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम, ये सारे एलिमेंट्स हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट लार्ज क्वांटिटी में होती है, और वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये सारे हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सल्फर जो है ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, फास्फोरस ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और कैल्शियम ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और नाइट्रोजन भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इसका मतलब ये सारे जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो इसमें इन चारों में कौन सा जो एलिमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा प्लांट को होती है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू, नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रोज इन सॉइल डिफिशियंट इन कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, वाटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू, नाइट्रोजन। एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन कंपैरेटिवली लीस्ट क्वांटिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जिंक, नाइट्रोजन, कार्बन, पोटेशियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक। द एलिमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स फॉर देयर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ, कैल्शियम, पोटेशियम, लीड, फॉस्फोरस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लीड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब इन रेड एंड फार रेड रीजन ऑफ लाइट, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री, फाइटोक्रोम। विल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर ड्यू टू एक्सेसिव रेस्पिरेशन, गॉटेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर, ट्रांसपिरेशन। विल्टिंग का मतलब होता है लॉस ऑफ रिजिडिटी ऑफ नॉन वुडी पार्ट ऑफ प्लांट्स, और ये तब होता है जब एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का बाय ट्रांसपिरेशन, और लेसर अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक इज मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट्स विदाउट यूजिंग वाटर, लाइट, सैंड, सॉइल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, सॉइल। हाइड्रोपोनिक जो है ये सबसेट है हाइड्रोकल्चर का, जिसमें प्लांट को ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल, और इसके जगह पे हम यूज करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का, और इसके थ्रू जो प्लांट ग्रो होता है वो है टोमेटो, ककम्बर, इटिसे। प्लांट्स जेनेटिक मटेरियल इन जीन बैंक इज प्रिजर्व्ड एट 196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन एज सीडलिंग एंड मेरिस्टम, मैच्योर सीड ड्राई फॉर्म में। ऑप्शन थ्री, प्री मैच्योर सीड जो कि हाईली मॉइस्चर फॉर्म में हो। ऑप्शन फोर, राइप फ्रूट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन टू, मैच्योर सीड जो कि ड्राई फॉर्म में होता है। When we touch leaves of touch me not plant, they close. These movements are called photonastic movements, nystagmus movements, seismonastic movements, chemonastic movements. तो इसका आंसर है ऑप्शन थ्री, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। ये मूवमेंट कब होता है? जब किसी स्पेसिफिक रीजन का सेल
टर्गर प्रेशर को लूज कर देता है। और जो टचवी नॉट प्लांट है उसके स्वेलन बेस जो है लीफ स्टॉक का, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि एक्टिवेटेड हो जाता है और उसी की वजह से जो है वो क्लोज हो जाता है। द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, ग्रीन प्लांट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ग्रीन प्लांट्स। इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ O2 इन C3 प्लांट्स इज कॉल्ड हेक्सोज मोनोफॉस्फेट साइट, पॉस्चर इफेक्ट, डेकर इफेक्ट, वारबर्ग इफेक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, वारबर्ग इफेक्ट। बायोफोर्टिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, ऑप्शन 2, strategy to combat unwanted nutrients in plants, option 3, method of developing resistance to insect pests, option 4, method of plant breeding for disease resistance. तो इसका आंसर है option 1, biofortification is a method of breeding crops to increase their nutritional value. The elements known as primary nutrients for plants, option 1, nitrogen, phosphorus and potassium, option 2, nitrogen, oxygen and silicon, option 3, potassium, boron and nitrogen, option 4, nitrogen, phosphorus and iron. So, iska answer hoga option 1, nitrogen, phosphorus and potassium. Which light is least effective in photosynthesis? Blue light, green light, रेड लाइट, सनलाइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, ग्रीन लाइट। द ओनली लिविंग टिश्यू इन प्लांट जाइलम इज ट्रेकिया, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रेकियार्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, जाइलम पेरेन्काइमा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स आर इनकरेक्टली पेयर्ड। इस क्वेश्चन में आपको बताना ये है कि इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है और जो उसका फंक्शन दिए हुए हैं वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1, एब्सिसिक एसिड, ये हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन में। ऑप्शन 2, ऑक्सिन्स, ये हेल्प करता है एपिकल डोमिनेंस में। ऑप्शन 3, साइटोकाइनेंस, ये मदद करता है सेनेसेंस में। ऑप्शन 4, जिब्रेलिन्स, ये हेल्पफुल होता है बर्ड एंड सीड डोरमेंसी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि जो जिब्रेलिन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ सेल साइज के लिए। बर्ड एंड सीड डोरमेंसी में जो प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है एब्सिसिक एसिड।